और अगर आप श्रावस्ती के सुंदर कस्बा इकोना में विशेषगंज की तरफ से आ रहे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि इकोना पहुंचने से पहले ही आपको तालाब पार करना पड़ेगा। चौकिए नहीं, जी हाँ, हम सड़क पर बने तालाब की बात कर रहे हैं। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर श्रावस्ती जनपद के इकोना से है, जहाँ पर थोड़ी सी लापरवाही के चलते लोगों की जान पर आफत बनी हुई है। श्रावस्ती जनपद के इकोना कस्बा पहुंचने से पहले ही अगर आप धनुही विशेषगंज मार्ग से आ रहे हैं तो इकोना बाईपास से 100 मीटर पहले ही आपको तालाब रूपी सड़क पार करनी पड़ेगी। इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिसके चलते यहाँ पर जब पानी भर जाता है तो लोगों को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, और ऐसे में वो अपने वाहन सहित इसी सड़क पर गंदे पानी में गिरकर चोटिल होते हैं। कई स्कूली बच्चे भी इस जगह पर गिरकर अपने ड्रेस खराब कर वापस घर लौट गए, वो अपने विद्यालय तक भी नहीं जा पाए। इस जगह की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर एक साइड में लाखों रुपए लगाकर नाले का निर्माण कराया गया था, लेकिन नाला 100 पीस बना हुआ है और नाला बनने के बाद से ही समस्या और बढ़ गई है, क्योंकि नाले के आसपास खोदी गई मिट्टी भी लोगों ने अपने दरवाजे पर कई फुट पाट ली है, जिससे आधे रास्ते को उन लोगों ने अवरुद्ध कर लिया है, जिसके चलते लोगों की समस्याएं और बढ़ रही हैं। श्रावस्ती जनपद के इकोना बाईपास से पहले की ये तस्वीर है, जहां पर अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो या तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है या लोग ऐसे गिर कर घायल होते रहेंगे। इस गड्ढे में कई लोग गिर कर घायल भी हो चुके हैं। श्रावस्ती जनपद के इकोना बाईपास के पास की ये तस्वीर।